नमस्कार, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि 2020 में आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट में अपना नाम या अपने गांव के व्यक्ति का नाम कैसे देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और इस गूगल में लिखेंगे iay.nic.in, या इस पे भी क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये सेकंड वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। तो हमारे डैशबोर्ड पे ये आ गया। अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आ सकता है, पर ज़्यादातर लोग बैक करके मेन का जो साइड होता है यहाँ से देखते हैं। ये वाला साइट खुलता है, होम पे आ जाइए। ये वाला साइट ज़्यादातर लोग खोलते हैं, इसी को मेन मानते हैं। चलिए हम भी इसी में बताएंगे कि आप बिना किसी के आईडी, नाम और मतलब बिना किसी का जानकारी का आप उसमें कैसे अपना नाम ढूंढें या अपने गांव के व्यक्ति का नाम ढूंढें। 2020 में इसका जो रहा था डैशबोर्ड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा होम पेज है, ये ओपन हो गया। तो अगर हमको देखना है अपने गांव का लिस्ट, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, देख लीजिए आवास सॉफ्ट लिखा हुआ है सर, आवास सॉफ्ट। इसमें डाटा एंट्री है, ये आपका सरकारी कर्मचारी ही इसमें एंट्री मार सकता है। और ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जितने भी झारखंड के कैंडिडेट हैं वो यहाँ से जाके आप अपना गांव का रिपोर्ट देख सकते हैं। चलिए हम इस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दो जगह आपका ये हाइलाइटेड है, एक तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं और दूसरे यहाँ पे। ये फाइनेंशियल है प्रोसेस और ये आपका स्किल, आप यहाँ से लिस्ट देखिएगा। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला आपका PMJY। चलिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको देखना कौन सा ईयर, तो आप अभी चल रहा है आपका 19-20 का चलेगा और आप ये 18-19 का देख सकते हैं। तो चलिए हम 19-20 का लिस्ट देखते हैं, इस पर क्लिक किए। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ का देखना चाहते हैं। तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र का देखना है, तो ये ग्रामीण वाला चॉइस कर लेंगे। चलिए इसको चॉइस कर लें। अब ऑल स्टेट, अब जिस भी स्टेट के हैं, हम झारखंड का देखेंगे। देखिए ये झारखंड चॉइस कर लिए। अब यहाँ पे जो हमारा ज़िला पड़ेगा हम वहाँ पे जाएंगे। अब उसके बाद जो हमारा ब्लॉक पड़ेगा हम वहाँ पे जाएंगे। तो मेरा कांके पड़ेगा, चलिए हम कांके में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा गांव या पंचायत जो पड़ेगा, चलिए यहाँ पंचायत बाय दिया हुआ है तो हम पंचायत जाएंगे। मेरा जयपुर पंचायत पड़ता है तो हम जयपुर पंचायत में देखेंगे। अब यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों ये 19 और 20 का टोटल लिस्ट दिखा रहा है कि 19 और 20 में किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जितना भी ये दिखा रहा है, 1,25,000 इनको दो किस्त
पेड हो चुका है पैसा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इनको इस बार मिल सकता है, मिल जाएगा। ये देखिए, ये नाम है बिमला कच्छप, इनको इस बार 19-20 में मिल जाएगा। ये कांति देवी, ये सारे जिनका भी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें अमाउंट नहीं दिखा रहा है, ये इनको इस बार आवास मिल जाएगा, आवास का पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति जो हैं पूनम देवी, तो इस पूनम देवी का फर्स्ट किस्त आया हुआ है 40,000, चलिए। और उसके बाद हम इस आईडी से अगला का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस नंबर से, या आईडी भी बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, इस अगला का फ़ोटो देख सकते हैं, पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए हम किसी का भी एक ले लेते हैं, ये आईडी हम ले लेते हैं, चलिए कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे AIY PNGG बेनिफिशरी, इस पर हम क्लिक किए और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम इस पर पेस्ट कर दिए और यहाँ पे सबमिट कर दिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जिनका भी है यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, इनका देख सकते हैं कि इनका पेमेंट एक बार फर्स्ट किस्त का हो चुका है। ये पेमेंट ऑर्डर हुआ था आपका 11/1/2020 को, और पेमेंट हो गया इनका 18/1/2020 को। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब ये एक सप्ताह के टाइम लगा, और इसके अकाउंट में, ये मतलब इसके आईडी में या जो भी लाभ मिला इसका, इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया इस तारीख को, ठीक है दोस्तों। इसके माध्यम से आप अपने गांव के किसी भी व्यक्ति का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं कि उसका नाम आवास में है कि नहीं है। तो और मैं बता दूं कि और इसमें आप क्या देख सकते हैं, चलिए इसमें जाते हैं हम। ये आपका गाइडलाइंस है जिसमें हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, पूरा नियम और धर्म दिया हुआ है, पूरा जो भी ये इस आवास से रिलेटेड है ये पूरा इसमें दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्लस इसमें आपका मैनुअल यूजर जो है मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल से जो सरकारी डिपार्टमेंट से जो आदमी आते हैं उन लोगों के लिए है सारा इनसे। और दूसरा यहाँ फिर से आ जाइए आप फॉर्म पे, और अगर आपके पास जानकारी है, आईडी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे अपना स्टेट लिखिए झारखंड, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लिखिए, और यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है ब्लॉक लिखिए, और पंचायत जो पड़ता है आप पंचायत पे जाइए, और यहाँ पे जिस योजना का नाम देखना है उस योजना को आप चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे हम ये चॉइस कर लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए 19-20 का, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिशरी का नाम लिखिए जिनका नाम है, यहाँ पे आपका बीपीएल नंबर है तो बीपीएल नंबर डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, ये सिलेक्शन ऑर्डर है, सर्च है, इसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास इसका सारा इंफॉर्मेशन है तो। और नहीं है तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जाइए टेक रिपोर्ट, अब यहाँ से आप अपना नाम देख सकते हैं। चलिए अब हम इस पे आते हैं, फाइनेंशियल प्रोसेस रिपोर्ट क्या है, तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं इसमें पहले से ही डेट दिया हुआ है और इसमें पहले से ही चॉइस किया हुआ है, इसमें सिर्फ हमको स्टेट चॉइस किए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चॉइस किए, जो मेरा ब्लॉक है वो किए,
और यहाँ पे इसका आंसर देना है, माइनस कर देना है दोस्तों, तो माइनस कर देते हैं। चलिए जो आंसर आया हम उसको यहाँ पे डाल दिए और ये सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका पूरा रिपोर्ट दिखा रहा है, आपका जयपुर पंचायत में कितना अभी तक वर्क हो चुका है। देखिए ये सारा फाइनेंशियल रिपोर्ट है, आप इसे चाहे तो यहाँ से एक्सेल शीट में ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल में ले सकते हैं और इसे डाउनलोड कर लिए, यहाँ पे आ गया, ओपन करके देख सकते हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में है और इसको प्रिंट आउट करके आप कस्टमर को देके भेज सकते हैं। तो आशा करेंगे दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आगे भी मेरा वीडियो इसी तरह आप लोग देखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अच्छा वीडियो मैं फिर से लाऊंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपना गांव का प्रधानमंत्री आवास में नाम कैसे देखें। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा। नमस्कार।